हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे बीके कारपेंटर चैनल पर। तो दोस्तों, ये एक दीवान है, तो इस दीवान को हम रीबार्निश करने वाले हैं। ये इसका कलर काफ़ी पुराना हो गया, इसके कलर भी सारे ख़राब हो चुके हैं। तो इस दीवान को हम दोबारा से बार्निश करने वाले हैं। तो बार्निश करने के लिए हमने ये इसका पुराना कलर जो है, वो सारे कलर को हम सैंड पेपर की मदद से उतार देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से मार रहे हैं हम सैंड पेपर, हमारे हेल्पर जो है उसको सैंड पेपर मार रही है कुछ इस तरीके से। और इसके देखिए आगे साइड में दो ड्रायर भी लगाया गया है, उस ड्रायर का हमने निकाल कर साइड कर दिया। इसका ड्रायर भी काफ़ी ख़राब हो चुका था, तो इसको ड्रायर को रिपेयर करने का काम है थोड़ा सा। तो इसको पहले सैंड पेपर अच्छी तरह से मार लेते हैं, फिर उसका इसको हम कलर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये देखिए इसके आगे तरफ का कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर नीचे दो ड्रायर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ड्रायर दो लगाए गए हैं। ये देखिए, ऊपर में इसका पूरा फट्टा लगाया गया है, इसमें प्लाई नहीं लगाया, पूरा फट्टा लगाकर ये ठीक किया गया है। ये बेड आपका दीवान बेड जो है, ये इसका फोल्डिंग सिस्टम नहीं है, ये पूरा इसी तरह से बनाकर रखा हुआ है। तो हम सिर्फ इसका रीबार्निश करने वाले हैं इसको। तो इसका रीबार्निश करने के बाद बिल्कुल ये नया हो जाएगा, पुराना जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा इस पर। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहे। तो दोस्तों, हमने सैंड पेपर मारकर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और अभी इस पर हम स्प्रिट जो बोलता है वो वाला कलर हम इस पर करने वाले हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए इसका पुराना कलर जितना भी था, हमने सैंड पेपर मारकर पूरी तरह से इसका कलर हटा दिया है, और इस पर हम अच्छी तरह से रीबार्निश कर रहे हैं। इसका हम पहले स्प्रिट जो बोलता है वाला स्प्रिट कलर मार लेंगे, इसको दो बार मारेंगे। इसका हम एक बार मार लेने के बाद इसको हाथ वाले सैंड पेपर से इसको हल्का हल्का सा मारेंगे सैंड पेपर। उसके बाद फिर एक बार टॉर्चबुट लगाएंगे, स्प्रिट मारेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। तो दोस्तों, हमने ये देखिए एक बार स्प्रिट लगाकर कंप्लीट कर लिया। ये देखिए कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है इस पर। और दोस्तों, इस पर हमें एक बार फिर सैंड पेपर मारना पड़ेगा इसको। अभी पहली बार जो बारिश किया तो वो थोड़ा रफ हो जाता है, तो इसको हम सैंड पेपर मारेंगे तब अच्छा होगा, पूरा फिनिशिंग आएगा इसका, कलर भी देखने में इसका कलर भी बहुत सुंदर हो जाएगा उसके बाद। तो दोस्तों, हमने सैंड पेपर मार रहा है, ये देखिए हमारा हेल्पर जो सैंड पेपर मार रही है, इसको हमने एक बार ही स्प्लिट कलर एक बार ही हमने मारा था इस पर, तो अभी सूख गया है, तो इसको हम ये सैंड पेपर मार रहे हैं कुछ इस तरीके से। इसको सैंड पेपर मार कर कंप्लीट होने के बाद फिर से एक बार इस पर स्प्रिट मारेंगे, फिर उसके बाद रेडीमेड कलर जो होता है टॉर्चवुड बोलता है वो वाला कलर लगाएंगे इस पर। तो दोस्तों, ये देखिए इसका सैंड पेपर मारकर लगभग हो गया है। तो दोस्तों, हमने एक बार इसका स्प्रिट कलर डबल मार चुका हूँ, और अभी हम इस पर डायरेक्ट टॉर्चवुड लगा रहे हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, ये वाला कलर लगाने या हम लगभग दो बार या तीन बार लगा देंगे इस पर, उसके बाद काफ़ी अच्छा कलर आएंगे इस पर। तो दोस्तों, ये देखिए हमने लगा रहे हैं कुछ इस तरह से, ये पेंटर वाला ब्रश जो होता है उसी ब्रश से हमने इस पर कलर किया है, ये देखिए। तो दोस्तों, आप लोगों को इसका डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ। और ये इस दीवार का साइज़ जो है, इसका हम चौड़ाई 3.5 फुट का है चौड़ाई, और लंबाई तो 6.5 फीट का है, 3 बाई 3.5 बाई 6.5 फीट का है चौड़ाई और लंबाई। ऊंचाई तो आपके ऊंचाई इसका है आपको 15 इंच का है ऊंचाई। तो गाइस, लगभग कलर करके हो गया है, ये देखिए हमने इसको कलर करके पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट कर लेने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये देखिए इसको देखने के बाद ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये पुराना दीवान को रिपेयर किया गया है, ये बिल्कुल नया लग रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो।